पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में भाजपा के चौथी बार बनी उम्मीदवार नीना वर्मा के लिए और प्रदेश सरकार पुनः भाजपा की बनाने की अपील की गई। वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की सरकार बनते ही भांजो भांजियों साइकिल लैपटॉप आदि योजनाएं बंद कर दी थी। मामा ने कांग्रेस को खुले आम मंच से चेताया कि एक बात सुन ले, सारी दुनिया मेरी बाहों की ओर, कोई हाथ बढ़ेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामा पीथमपुर और धार में सीएम राइज 2 स्कूल संचालित हो रहे हैं और 10 स्कूल खोलने की बात भी कही। इसी प्रकार भाजपा की प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताते हुए बहनों और भाइयों से भाजपा प्रत्याशी नीना वर्मा के लिए वोट की मांग की। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। मेरे भांजे भांजिए, तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो मैं सहन कर लूंगा। तुमने तो मेरा श्राद्ध भी करवा दिया था पोस्ट डाल के, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। लेकिन अगर मेरी बहनों की तरफ कोई आंख उठी या हाथ उठा तो मैं किसी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं। और खुलेआम कह रहा हूं, मेरे भांजे भांजियों का भोजन छीनने की धमकी देने वालों, शिवराज सिंह चौहान ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं। न जीने दूंगा न मरने दूंगा। मुझसे दुश्मनी है तो बदला मुझसे लेने की बात कर, मेरी बहनों को धमकी देते हो, भांजे भांजियों की धमकी देते हो। आखिर हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।